Hi, hello, salam, namaste, sasrikal, jemasi to everyone. This is Gloria Sharon and you are watching Share Glow Vlogs. जी आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपके साथ जो है मैं बात करना चाहती हूँ. मैं नहीं कहूँगी कि मैं गलत हूँ या आप सही हैं या आप गलत हैं और मैं सही हूँ, लेकिन जो बातें सिर्फ और सिर्फ गौर फिक्र आपको कुछ बातों पे कराना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक वी आर लिविंग इन काफिरस्तान, लाइक काफरों के मुल्क में हम रह रहे हैं. क्रिश्चियंस का जो यानी कि मसीहों के जो मुल्क हैं उन्हें कहा जाता है कि ये काफरों का मुल्क है, यहाँ का ट्रैवल करना भी जो है वो नापाक माना जाता है कुछ लोगों के मुताबिक, सबके मुताबिक नहीं. बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपकी जो गौर फिक्र जिस बात के करीब लाना चाहती हूँ वो कुछ डिफरेंसेस हैं हम में और कुछ डिफरेंसेस हैं उन लोगों में जो दूसरों को काफिर कहते हैं और ख़ुद अपने आप को जन्नती मानते हैं. थोड़ा सा आपके नज़र में इस बात पे लाना चाह रही हूँ कि कल हम किसी पाकिस्तानी स्टोर पर गए, आटा क्योंकि हमारे घर पे ख़त्म हो गया और टाइम जो है काफ़ी बुरा चल रहा है, हम लोग जो आटा यूज़ करते हैं वो कहीं से मिल नहीं था रहा. और इट वाज अ मुस्लिम स्टोर, किसी मुस्लिम बंदे का पाकिस्तानी स्टोर था वो. तो $11 का जो आटा वो $18 में दे रहे हैं और इवन उन्होंने सामने शेल्फ पे लगाया भी नहीं हुआ. क्यों नहीं लगाया हुआ कि अगर कोई आके पूछेगा तो हम उसे ज़्यादा प्राइस में बेच सकें. तो मुझे आप ये बताएं कि जिन लोगों को आप काफिर कहते हैं वो फ्री में राशन बांट रहे हैं भाई लोगों को, और आप लोग जो जन्नती हैं जो के समझते हैं कि हम हलाल हलाल गोश्त खाते हैं, हलाल सब कुछ खाते हैं, तो आप मुझे बताएं आप किस तरह की हलाल रोटी कमा रहे हैं. इसका तो डायरेक्ट मतलब जो है वो ये जाता है कि आप हराम के पैसे से हलाल का गोश्त कमा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं. तो मुझे आप बताएं तो कि आप किसको काफिर कहते हैं. कुफर जो है वो ये है कि आप किसी को गलत तरीके से हराम की कमाई खा रहे हैं, या वो लोग जो अपने अमाल जो है वो अच्छे करके और लोगों को फ्री में चीज़ें बांट रहे हैं. काफ़ी स्टोर्स यहाँ पर कनेडियन स्टोर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने लिख के लगाया है टेक फ्री पे और पे व्हाट यू वांट, यानी कि आप भाई फ्री में ले जाओ हमसे. और वॉलमार्ट वगैरह सारा कुछ जो यहाँ का कनेडियन स्टोर्स हैं उन पे बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं हुए. और आप पाकिस्तानी स्टोर्स, और नॉट जस्ट पाकिस्तानी स्टोर्स, इंडियन स्टोर्स, कुछ हमारे इंडियन स्टोर्स हैं जिन्हें लेटर इशू हो गए हुए हैं, चलान हुए हैं कि उन्होंने $5 का जो दूध है वो $8 में बेच रहे हैं. भाई क्या कर रहे हो, वही मैं बात कहूँगी, मजाक हो रहा है यार, आप मौत पे बिजनेस कर रहे हो. आप देखो, आप मेरी बात आप सुने, आप देखें कि आज आप इस चीज़ पे बिजनेस कर रहे हैं मौत पे, अगले टाइम में घर जाते हुए आपको जो है वो रात को पता चले कि आपको कोरोना वायरस हो गया, तो आपने वो पैसा कहाँ लेके जाना है, क्या करेंगे आप उस पैसे का. कुछ खुदावन का खौफ करें, आप अपने लोगों को जो है वो ये बताएं कि कितनी आप डोनेशन इस टाइम में दे सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे बिजनेस हैं आपके, कुछ लोगों की हेल्प करें ना, कि जो आपके पास सौदा है आप उसे भी जो है वो डबल कीमतों में बेच रहे हैं. शेम ऑन यू. और फिर आप इन लोगों को, गोरों को काफिर कहते हैं. अभी रात की न्यूज़ जो मैंने देखी है इसमें स्पेशली मास्क और सैनिटाइज़र, जो वो सैनिटाइज़र जो कम दाम में मिलता है लेकिन हमें $11 का मिला है, तो उसी तरीके के सैनिटाइज़र जो आप भाई $11, $11, $11, $12 के बेच रहे हैं. रात को न्यूज़ जारी हुई है कि नया जो स्टॉक आ रहा है अगर उसे आपने डबल कीमत पर बेचा तो
आप पे लीगल एक्शन होगा, आप जेल जा सकते हैं। और ये डिसीजन बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ऑलरेडी लेटर इशू हो चुके हैं। ओ भाई, एक सौंफ का पैकेट जो $6 का था, $17 का बेच रही है एक इंडियन मार्केट। ओ मुझे एकदम से बैठे याद आ गया, यस हमारी नेबर गई, उसने देखा मसाले का पैकेट। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। और उस शॉप को ऑलरेडी जो है वो लेटर इशू हो चुका है, अब इलीगल कर रहे हैं। और अब जो है वो कानून जारी हो गया हुआ है, लॉ में आ गया है कि अब अगर आप डबल कीमत पर ट्रिपल कीमत पर बेचेंगे तो जेल होगी। और ये आप लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम, अब रात को तो हम हो आए हैं, अब दोबारा हम उस स्टोर में जाएंगे, अगर दोबारा ऐसी चीज़ हो रही हुई और हम उन्हें बोल के आए थे कि हम लोग कंप्लेन लाजमी करेंगे, और हम उनकी कंप्लेन करेंगे, और ये बात सच है कि हम करेंगे कंप्लेन, क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हैं। एक तो इलीगल काम हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और दूसरा जो है यार, आप अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। खुदा के लिए मौत पे बिज़नेस करना बंद करें। और खैर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ अपने घरों से बाहर ना निकलें। हम ऑलरेडी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकले, ओनली ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाते हैं। अगर मैं और डैनिका शाहरुन के साथ बाहर चले भी जाएं तो गाड़ी में रहते हैं ताकि हम लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि जितना हम घर से बाहर निकलेंगे हम इस वायरस को स्प्रेड करेंगे। और चलें, हमें तो नहीं है, लेकिन बाहर जाएं तो शायद बाहर निकले तो हमें हो सकता है, तो हमसे और भी लोगों को हो सकता है, पूरे ख़ानदान जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, सबकी खातिर जो है वो हुकूमत की बात माने, इस बात को जो है वो इजी ना लें, ये ना कहें कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं और हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमारा जी हाँ, कोरोना वायरस जो है वो आपका बिगाड़ सकती है, आपकी ज़िंदगी ले लेगी। और अगर आप बाइबल को देखें या फिर कुरान को देखें, दूसरे मज़ाहिब का तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उतना जानते नहीं हैं, लेकिन हर मज़हब में जो है वो ताकीद दी गई है कि आपने किस तरीके से वबाओं से बचना है। तो अगर आप देखें तो हज़रत नूह जो है वो सिर्फ़ अपने ईमान की वजह से नहीं, बल्कि उसने कश्ती भी बनाई थी और वो कश्ती के अंदर रहा था, ना कि वो बाहर घूम रहा था, इसलिए वो बच गया और पूरी दुनिया जो है वो बर्बाद हो गई। और जब जब वबा आई है दुनिया पर, तब तब खुदा ने ये कहा है कि अपना दरवाज़ा बंद करो और अपने घरों में रहो और दुआएं करो, ना कि बाहर निकलो और घूमो और दूसरों को भी बर्बाद कर दो। तो प्लीज़ अपने घरों में रहें और सेफ़ रहें और लोगों को भी सेफ़ रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।